बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है ओशन और अब हम बात करने जा रहे हैं एस्टेक्स ईएसपी के बारे में। एस्टेक्स ईस्पोर्ट्स लोग बोले, लेकिन एस्टेक्स ईएसपी जिनका नाम रहता है वो थोड़ा एक अलग टाइप का नाम रह जाता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एंड इस टीम से जानेंगे कि इनका माइंडसेट क्या है पूरा गेम को लेकर के, इनका माइंडसेट क्या है और टीम स्ट्रेटजीज को लेकर के, और इनका माइंडसेट क्या है पीएमआईएस को लेकर के। सबसे बड़ा टूर्नामेंट इस बार अंडरडॉग्स के लिए आया, बशर्ते ये टीम पीएमआईएस से पहले भी हमें देखने को मिली, लेकिन इस बार कि अपना पूरा फोकस पीएमआईएस में कैसे लेकर आ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। सो बॉयज, व्हाई डोंट यू जस्ट स्टार्ट विद इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। हे, माय नेम इज कुशल एंड माय इन गेम नेम इज एस्टेक सेटन एंड आई एम द आईजीएल ऑफ द टीम एंड माय फेवरेट गन इज M416। मेरा नाम है संग्राम सी एंड माय इन गेम नेम इज एस्टेक निंजा, माय रोल इज सेकंड असॉल्टर एंड माय फेवरेट गन इज M416। Hello, my name is Sagar and my in-game name is Spidey. My role is Assaulter and my favorite gun is M4. जी बिल्कुल। And IGL, जैसे कि आपने बताया कि आप IGL हैं पूरे के पूरे, and Satan is your name, so that you know just forms out in one of the most dominating ways. And मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जर्नी टीम एक्चुअली कैसे फॉर्म हुई थी, वहां से अभी तक का सफर आपका कैसा रहा? 2019 December पे we had DreamHack, जहाँ पे हम we didn't knew each other exactly. तो बात ये बना था कि अपना लाइनअप सब स्प्लिट हो चुका था एंड करेंटली पीएमसीओ स्टार्ट हो रहा था, जनवरी पे रजिस्ट्रेशन था 2020 पे। तो तब यू नो म्यूचुअली पे इन्फ्लुएंस पे वी ऑल फॉर्म टुगेदर एंड वी एक्चुअली रजिस्टर्ड वन वीक बिफोर पीएमसीओ। तो इट वाज लाइक तुक्का टाइप था, वी वरंट श्योर कि कैसा रहेगा लाइनअप, यू नो अचीव करेगी कि नहीं, सिनर्जी नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो वी जस्ट प्लेड इंडिविजुअल गेम प्ले, एक्चुअली हमने टीम के बेसिस पे नहीं खेला, अपने आप पे खेला एंड फॉर्चुनेटली वी मेड इट थ्रू सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, बट पीएमपीएल नहीं हो पाया। फिर बाद में वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू यू नो चारों बंदे बैठ के सिनर्जी बनाना एंड वी हैड टाइम टू कोप अप विद ईच एंड एवरीथिंग, टीम का प्रोज एंड कॉन्स। तो इस सब पे टाइम मिला कि नाउ आई थिंक वी आर रेडी एंड वी आर रेडी टू डोमिनेट हियर। अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा निंजा से, अपने टॉप टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कब पैसिव खेलना कब एग्रेसिव, ये कैसे आता था आपके माइंड से? बेसिक चीज है, हम अपने आईजीएल पे ही उसके कॉल पे ही फोकस रखते हैं, जब वो कॉल देता है तब रोटेशन वगैरह कहाँ क्या कवर बनाना है वगैरह वगैरह सब उसके कॉल पे ही पूरा डिपेंड रहता है। लास्ट सर्कल में फिर अपने माइंडसेट से खेलना पड़ता है। एंड इसके अगला क्वेश्चन मेरा रहने वाला है स्पाइडी से, अभी जैसे हमने आईजीएल का पीओवी देख लिया, हमने निंजा का पीओवी देख लिया, अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी पीएमआईएस 2020 से एंड इसके बाद टीम से? एक्सपेक्टेशंस हाई रहती है पीएमआईएस के आगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम दे दिया है गेम को, तो आगे कुछ करना ही है। जी जी, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने पीएमसीओ के बारे में भी बताया था एंड बाकी टूर्नामेंट्स भी, तो पीएमआईएस के लिए आपने क्या चेंजेस लेकर आए आप लोग कि अब वो डाउनग्राफ्ट नहीं देखने को मिल रहा, अब अच्छी परफॉर्मेंसेस ही देखने को मिल रहे? तो आफ्टर पीएमसीओ वी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, तो इस टाइम पे हमने बैठ के पूरा अपना ड्रॉप से लेके रोटेशन स्काउट एवरीथिंग वी ऑल सॉर्टेड इट आउट। अभी कोऑर्डिनेशन, अगर एक बंदा एंट्री फ्रैगिंग का होता है तो उसके पीछे कौन उसको कवर देता है एंड कॉल्स अपना फिल्टर जो होता है रोटेशंस पे, तो इन सब चीज़ों पे हमने फोकस किया काफ़ी टाइम से। वी एक्चुअली हैड दिस मैप्स एंड ऑल की दूसरी टीम्स का ड्रॉप का होते हैं, हाउ कैन वी यू नो काउंटर देम एंड ऑल, ये सब कलेक्टिवली हमको बहुत हेल्प किया एंड वही है अभी जो परफॉर्मेंस दिख रही है टीम से। So, is there any message you apne fans ko dena chahenge? Bas support karte rahega and we will give our best in every matches and thoda downfall rehta hai, but you know you keep supporting us, that will boost our morale and that will you know give us a motive to you know perform better. Mera question ye rahega, abhi bahut sare teams hai, known teams bhi hai, underdog teams bhi hai, to aapke according koi ek aisi team jo aapko lagta hai tough competition degi, do naam aapko lene hai, ek known aur ek underdog. Known teams agar main bolunga to it will be Orange Rock, because I don't know how Mavi has, he knows exactly where the circle goes to. He just happens to hold the center of the circle in every match and he just wins it and he aces it. And underdogs bolunga to it will be, I guess it will be crew, team crew, jo abhi apne saath kheli thi group D pe. Underdogs mein se Luke Strom and known mein se Mega Stars. Thank you everyone for giving your precious time to me and I just wish you all the best jitne bhi aapke future endeavors rahenge uske liye. All that I can say is that future hai, future aage ki taraf jayega, so let's go. Let's go.